युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लो, लक्ष्मण मेरा धनुष लो, लक्ष्मण मेरा धनुष लो। ये सब क्या है? स्वामी, स्वामी, किसने किया ये? बाबा संभालो स्वयं को, पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे, मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया, अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो बनाओ मैया को, ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी, जे धनुष तान के खड़े हैं आप, हाथ जोड़ के खड़े हो, जे सब चल क्या रहो है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो, क्या चल रहा है, बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। जी आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा? क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा काना राम जी की तरह ना दिख, तो पर देखो कितना अच्छा अभिनय किया काना ने, बहुत बढ़िया काना। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल। यशोदा
कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई, कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था हा? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा, और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखे। यशोदा सोचो, जब ये बाहर जाएगो तो नदी पहाड़ पशु पक्षी खेत खलियान कितना कुछ देखेगो, आस पास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्र गणों के साथ खेलेगो उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगो इसे, कितना कुछ सीखेगो। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर अब पर क्या यशोदा, तुम जे चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आ जाए हो? बताओ यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो तभी इसे उसके बारे में पता चलेगा, तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते है। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो बाबा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तू तो जे ही विशेष मांग रहा था पूजा के समय। हाँ? हाँ? स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? यह आशंका तो मुझे भी है काना, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। काना जी ले रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे। पर फल की क्या हो सकता है, निकट ही तो जा रहे हैं।
भूख लगेगी तो आ जाएगी वो। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतनी के जे नियंत्रण ना रख पाया तो? अब रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ रो है, फलों के चक्कर में कई मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ उचित है, कहना ले जा ले जा। रुक, मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाऊ को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। अब तो जाओ। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगो। हाँ। जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाऊ के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छाओं से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए। हाँ? वैसे ये ना तो खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, श्रीदमा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या हो सकता थी? छोड़ दिया कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। जय अभिनापाल। लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है।
यशोदा मैं बाहर जा रहा हूँ। किसे ढूंढ रहे हो काना? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को, तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीता को जे दिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लगता, वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना, मैया का घर पे मन्ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ बोला क्या? क्या क्या तो हम भी कुछ विशेष बनाए। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आयो है, इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार, बना लेगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। स्वामी
ना। महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले आयो। बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। डंडी इसका बस चले तो ये डंडी भी खा जाए। चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए डंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। में अब होगो राजसी भोग। येरी ध्वजा और येरी उसकी डंडी।
हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो। ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। अरे रुको, 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 अरे रुको, रुको। काना, वहाँ मत चढ़, पुरानी संकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगो दाओ। सुना ना आपने, ये संकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? विष्णु, उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख काना, कहीं नील तो ना पड़ गए? पैर में लगी है ना, एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी। सुच तो ना गया? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगे, कोई मुझे उठाएगा भी? काना, संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है काना, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। काना, क्या होगा? काना, चोट लगी है, बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है सुधा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास, हल्दी लगा लूंगी ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, काना भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा, कष्ट बढ़ गया हो क्या? काना, चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ, मैया को पता चला मैं पहले दिन गिर गयो तू मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा अच्छा, रो मत, मेरा घर यहाँ निकट में है, वहाँ ले चलती हूँ, फिर औषधि लगा दूंगी।
तो जो अच्छा ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है। है? मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जाना भी है। काना, तू चिंता मत कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल तुझे घर ले चलते हैं। कितो अच्छो हो तो ना, यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जातो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। बस कान्हा, अब कुछ ही दूर और है, तुम घर पहुंचने वाले हैं। मैं भी ना कैसी कैसी कल्पना करने लगी, ना जाने कान्हा का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी कि ना। चिंता मत करो जानकी, अपनी माखन चोरी की लीला का आरंभ मैं तुम्हारे घर से ही करूंगा। लगता है घर पहुंचने की प्रसन्नता में तेरे पाप की पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो गई। नाना, तो बहुत कष्ट है। सच्ची? हाँ हाँ, चलो शीघ्र चलो। पट्टी अधिक तो नहीं कस गई महाराज? और कसो। महाराज, पीड़ा के लिए ये औषधि। मेरी वास्तविक पीड़ा वो विष्णु अवतार है, इसलिए ये औषधि। मुझे कोई लाभ नहीं देने वाली। लाभ होगा, और किस वस्तु से होगा ये भी मैं जानती हूँ। महाराज, कृपया आइए मेरे साथ। कान्हा को गए कितनी देर हो गई, यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा, मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ। सच्ची क्यों मेरा काना? Oh,
अनहा, चोट लग गई क्या? क्या होगा काना? पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ? कितना बोला है जी, वो भी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण हो गया उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ, फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला, बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले, तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है, देखना जैसे ही वो लेप लगाएंगी कष्ट ऐसे भाग जाएगा। आ मैया। हाँ लल्ला। बस लल्ला बस। लल्ला देख, जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमत्कारी होता है, कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जे सब ठीक कर देता है। मैया, आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है, कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, तेरी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा, फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा ये कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया, इसके बाद आपका घाव स्वयं पूछेगा, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या होता है? अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि जे इतनी अधिक चोट लग गई? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ
कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई? कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है ना। ये संजोग ना है नंद जी, बता किसकी भूल से लगी है ये चोट? इसे इतनी अधिक चोट कैसे लगी? अधिक ना मैया, थोड़ी तो लगी है, अब कष्ट भी थोड़ा सा ही हो रहा है। मैया, इतनी सी चोट के कारण आप मेरा बाहर जाना फिर से बंद तो ना कर दोगी? देखो तो इसे, चोट लगी है, कष्ट हो रहो है, पर इसे बाहर जाने की पड़ी है। बोलो ना मैया, मुझे बाहर जाने से मना ना करोगी? छोटी माँ, त्रुटि तो मेरी है ना, क्योंकि काना का ध्यान रखना मेरा दायित्व है ना। पर मेरी भूल के कारण आप इसका बाहर जाना बंद मत कीजिएगा। नाना, बलराम से बड़ा मैं हूँ, भूल मुझसे हुई है, आप मुझे दंड दे दो चाची। चाची, इन सबसे बड़ा तो मैं हूँ, कान्हा के ध्यान मुझे रखना चाहिए था। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। हमें कोई भी दंड दे देना, पर काना को बाहर जाने से मत रोकना। भाभी, सच्ची बात तो यही है, भूल मुझसे ही हुई है, बस करो सबके सब। मुझे अच्छे से पता है कि भूल किसकी है और सहायता कौन कौन कर रहा है। अब सब ऐसे चिंता मत ही करो, मैं इसको बाहर जाने से मना ना कर रही। तुम सच्ची में ये बात कह रही हो? हाँ जी, सच्ची। जे उठेगो गिरेगो तभी तो सीखेगो ना। आपने सही कही थी, ये सब तो जीवन के पाठ हैं, स्वयं ही सीखने पड़ते हैं ना। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई व्यक्ति एक ही भूल को दोबारा ना करे, समझ आई? हाँ मैया, पक्का। आगे से जाओ, किसी कार्य को करने से मना करेंगे तो मैं इनका कहा अवश्य मानूंगा। अरे नहीं, इसका अर्थ ये है कि तेरे दाव ने तुझे समझाया था, मना भी किया था, फिर भी तूने अपने दाव की बात ना सुनी। मैया, पीड़ा होने लगेगी, फिर कान पे भी वही हल्दी वाला लेप लगाना पड़ेगा। यशोदा, मैं चलता हूँ, उपनंद भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
हम सब भी चलते हैं। कान्हा अपना ध्यान रखियो। कल आज से भी बड़ा महल बनाएंगे और उसमें कान्हा की ध्वजा भी लगाएंगे। चलो सब ध्यान से जाना सब। भाभी मैं भी चलती हूँ। अच्छा बता क्या खाएगो? भोजन करनो है, फल खानो है कि माखन खानो है? मैं भी कितनी जड़ बुद्धि हूँ जिसका पूरा घर माखन से भरा हुआ है। मैं उसे तनिक सा माखन खिलाने की सोच के प्रसन्न हो रही थी। तुम भूल रहे हो जानकी, माखन की अधिकता से नहीं प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होता हूँ मैं। और तुम्हारे इस प्रेम के कारण अब तो लगता है आज ही आना पड़ेगा तुम्हारे घर। पर आज तो मैया घर के पास पाँव भी धरने ना देगी। तुम वृद्धि करती रही, वो भुगतान करते रहे। हर बार 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 पूरा कर, कैसे संभव है ये? उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, उन्हें कर देने में कभी विलंब नहीं हुआ। भैया विलंब तो ना होगा? ना ना नंद, इस बार कर समय पर देनो अति आवश्यक हो गया। सुना है कि कंस ने तपस्या से उठते ही अपने एक सभासद की हत्या कर दी। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। भैया हम कंस को कर समय पर दे ना दे, हमारी भूल से उसे कोई अवसर मिले ना मिले, इन बातों से कोई अंतर ना पड़ता, क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा क्या विशेष है गोकुल के उन ग्वालों में? इतने अधिक कर का भुगतान कैसे किया उन लोगों ने? बोलो कहां से आया उनके पास इतना धन? वैसे नन 3 बरस हो गए, तुमने मुझे अभी तक बताया ना है कि इतना स्वर्ण तुम्हारे पास आया कहां से? कभी जानने तक का भी प्रयास नहीं किया तुम दोनों ने कि कौन सा कुबेर का कोष है उनके पास? बोलो। अभी ये मत ही कहना कि कुबेर भगवान ने अपने कोष खोल दिए गोकुल के लिए। नंद, नंद कहां खो गए? लगतो है इस बार भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। क्षमा करना भैया, मैंने इस रहस्य को गुप्त रखने का वचन दिया, पर आपको इतना बता सकता हूं कि हो सकता है अवश्य ही उस दानवीर ने स्वर्ण इसलिए दिया हो ताकि कंस के कर के अत्याचार से हमारा गोकुल मुक्त रह सके। अब तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल में सदैव शांति बनी रहे। कंस की बुरी दृष्टि हमारे गोकुल पर कभी ना पड़े। वहां क्या हो रहा है? हर पल 8 प्रहर तुम्हारी दृष्टि गोकुल पर होनी चाहिए थी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। हम अभी अपने गुप्तचरों को वहां भेज देते हैं महाराज। नहीं, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है प्राप्ति। इसलिए मैं अपनी विचार शक्ति का उपयोग अब ये पता लगाने में करूंगा कैसे उस विष्णु के नाश से पहले गोकुल में बसने वाले उन विष्णु भक्तों का विनाश किया जाए।
लल्ला कान्हा रुक, अभी थोड़े समय पहले तक तो इतनी पीड़ा हो रही थी पांव में, अब मैया को पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाँ पर दोस्त मेरा ना है मैया, तो चमत्कारी लेख आपने ही लगाया था, इसी के कारण मेरी सारी पीड़ा लुप्त हो गई है। अच्छा तो भूख भी तेरी साथ साथ लुप्त हो गई क्या? मैया भोजन का मन बिल्कुल ना है। मुझे पता है प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, यही पेट भर लेंगे तो जानकी के घर क्या खाएंगे प्रभु। आज से आपकी माखन लीला का आरंभ हो रहा है ना। मैया को चुप करा रहो है, अधिक भूख ना है तनिक माखन तो खा ले लल्ला। मैया मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब हाथ ना आऊंगा आपके। अरे लल्ला कहाँ जा रहे हो तू, क्या हो गो? आपके लल्ला को तनिक भी भूख ना है। अरे लल्ला क्यों भूख ना है रे? लो जी अब आप ही संभालो इसे। जो खा क्यों ना रहे तू? हाँ अब इतनी प्रेम से पूछोगे तो बड़ा सुनेगो जे, सदैव प्रेम से बात करके चले जाते हो, कभी डांटा भी करो। काना एक तो तू भोजन ना करो, ऊपर से मैया को तंग कर रहे है, पिटाई होगी आज तेरी। आप भी स्वांग कर लो काना के जैसे, एक ही चक्की के दो पार्ट हो दोनों, और भोली भाली मैं आप दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। कान्हा अब बहुत हो गए परिहास, ये बता के तू भोजन क्यों ना कर रहा हूँ? हाँ सुबह से खा ही तो रहा हूँ बाबा, पहले मैया ने लड्डू और फल दे के भेजा था, फिर पीड़ा पे ध्यान ना जाए इसके लिए मैया कभी फल खिला रही थी तो फिर कभी फलों का रस पिला रही थी। अरे पर वो भोजन थोड़े ना था। अरे पर जो भी था उसने इसके पेट में जगह ही ना छोड़ी भोजन के लिए, देखो कैसे जमाई ले रहा है, इसे पता चलता है कि इसका पेट पूरी तरह से भरा है और इसे नींद आ रही है। चल लल्ला सो जा तू। मैया मैं सोने जाऊं? ठीक है सो जा, पर फिर मत ही कहियो कि मैया ध्यान ना रखती। मेरा ही तो ध्यान रखती हो, बाबा का ध्यान रखने के लिए तो आपके पास समय ही ना है। क्या बोला तूने? जी तेरे बाबा ने कही तुझसे? हाँ ना स्वयं भी फंस जाएगो लल्ला, मुझे भी फंसा देगो। आपने मुझे कितनी बार भोजन के लिए पूछ लिया, पर बाबा को एक भी बार ना पूछो। जब से आए जल भी ना मिलो है इन्हें। क्यों मुझे फंसा रहे हो कान्हा? कान्हा तुझे नींद आ रही है ना, चल फिर सुला देता हूँ तुझे, चल चल। अब तू तो यहाँ अच्छे अच्छे सपने देखेगो और मुझे संभालना पड़ेगा तेरी मैया को। वो तो आप संभाल ही लोगे पापा, पर आपका ध्यान भी मेरी तरह रखा जाएगा। अच्छा जी तो मैं ध्यान ना रखती, जल भी ना पूछती। ये लो ये लो ये लो ये भी लो, मैं भी बताती हूँ। हाँ लल्ला
कुछ अधिक ही ध्यान रखेगी तेरी मैया। ये बाबा का, ये लल्ला का। लीजिए गोकुल नरेश, जल पीजिए। बस बस, जल से ही पेट भर लेंगे। जो भोजन जो मैंने बनाया है, आई। क्षमा करना बाबा, आज मेरी योजना की सफलता के लिए आपका फंसना आवश्यक था। आरंभ कीजिए गोकुल नरेश। मैया ने मुझे देख लिया है।